मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन का 34वां द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ। ग्रुप सी बिहार सिकल पटना द्विवार्षिक अधिवेशन किरण विवाह भवन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय सेक्रेटरी जनरल कामेंदर आक्रेन उपस्थित रहे। परासर पंडिमंडलीय सचिव दीनानाथ प्रसाद शाह ने कार्यक्रम आरंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। सर पहले तो आप अपना परिचय। मैं बिहार का ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन का सर्किल सेक्रेटरी हूँ और आज की जो सभा है ये हमारा अधिवेशन है जो हर दो सालों पर होता है। आज का इस बार का अधिवेशन मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित था और ये मुजफ्फरपुर में ये कार्यक्रम आज की तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सर इसमें मुख्य अतिथि कौन लोग हैं? इसमें मुख्य अतिथि हमारे दिल्ली से आए हुए हैं हमारे केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के सेक्रेटरी जनरल कॉमरेड आर्यन परासर जी हैं। वो आज इस सभा को संबोधित करेंगे और फिर कल खुला अधिवेशन होगा जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी भी आएंगे दिल्ली से और यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक सारे लोग यहाँ पर रहेंगे। कल ओपन सेशन में जो 3 बजे से होना है और आज ये सब्जेक्ट कमेटी की बैठक चल रही है जो हम लोग विभाग अपने विभाग के आंतरिक मुद्दों पर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की समस्याएं हैं उस पर हम लोग बात करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत किया जाए, हमारी जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए क्या हम लोगों का अगला कार्यक्रम होगा, अगला जो रणनीति होगी वो हम लोग इसमें इस सब्जेक्ट कमेटी में डिसाइड करते हैं जो आज की इस मीटिंग में होगा। मेरा नाम दीनानाथ प्रसाद शाह, क्षेत्रीय सचिव सह परिमंडलीय सचिव हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है परिमंडल के द्वारा जो हमारे अभी सर्किल सेक्रेटरी महोदय बोल गए यह आयोजन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और हम लोग अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा करेंगे। देश विदेश स्थानीय स्तर पर मंडल स्तर पर हमारी क्या समस्याएं हैं उससे रूबरू होंगे, उसके निजात के लिए उसकी समस्याओं को हल के लिए केंद्रीय स्थानीय और सर्किल लेवल पर हम लोग पॉलिसी प्रोग्राम लेंगे और इस अनुसार से हम इस मीटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि हम लोगों का कर्मचारियों के हित में, मजदूरों के हित में, देश के हित में हम लोगों के क्या कदम होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे।